आप सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ सिर्फ अभी नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, कल से नवरात्रे शुरू, मीन्स भारत में तो आज से शुरू हो जाएंगे। और नवरात्रों में जो सबसे बड़ा हमारे हिंदुओं की सुरक्षा का विषय है वो है गरबा। उस गरबा में क्या होगा कि अन्य धर्म के लोग भी आएंगे और अन्य धर्म के लोग आकर हमारी बहन बेटियों के साथ में नाचेंगे और फिर न जाने कितने लोग हमारे धर्म का छोड़ छाड़ के फिर धर्म परिवर्तन कर लेंगे और फिर उन बच्चियों की क्या दशा होती है मुझे अभी इस वीडियो में नहीं बोलना है। और फिर हमसे कहते हैं कि जो हिंदू सेकुलर है, मुझे दुख इस बात का है, सिर्फ हिंदू सेकुलर मिलेंगे। कोई नहीं पूछता मुस्लिम भाई सेकुलर क्यों नहीं है, कोई नहीं पूछता क्रिश्चियन भाई सेकुलर क्यों नहीं है, अन्य किसी से कोई मतलब नहीं। सबसे सबको आशा है किस बात की पता है, हिंदू सेकुलर होना चाहिए। हम सेकुलर हैं ना भाई, हम तो हैं। आप आइए ना हमारे साथ। आप किस लिए आ रहे हैं ना गरबा में, मुझे पहला प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप किस लिए आ रहे हैं? आप कह रहे हैं हम तो भाईचारा निभाने के लिए आ रहे हैं, ऑब्वियसली आइए। फिर नाच क्यों रहे हैं आप हमारी बहन बेटियों के साथ में? अरे ये तो त्योहार है, तो अपनी बहन बेटियों को भी लाइए, भाईचारा भी निभाइए और थोड़ा बहनचारा भी निभाइए। आपकी बहनें हमारी बहनों के साथ नाचेंगी और आप हमारे साथ में नाचना, हो गया भाईचारा। एग्री हो इस बात पे तो आ जाओ, नहीं हो ना एग्री? आई नो कि आप एग्री नहीं होंगे। अपनी बहन बेटियों को घर में रखेंगे और हमारी बहन बेटियों के साथ आप नाचेंगे और हमसे आशा रखेंगे कि हम भाईचारा निभाएं और अपनी बहन बेटियों को हम कुर्बान होने दें, बलिदान दे दें उनका। ऐसा नहीं, जितने भी हिंदू भाई मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर ईमानदारी से तुमको देवी मनानी है तो देवियों का सम्मान हमको करना होगा और देवियों का सम्मान तब होगा जब आतताइयों से हम अपनी बहन बेटियों को बचा लें। अगर आपको गरबा करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल गरबा का आयोजन करने वालों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हिंदुओं के सिवा वहाँ किसी का प्रवेश नहीं होगा, और अगर हिंदुओं के सिवा किसी का प्रवेश होता है तो ऐसे लोग जो आयोजक हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। राधे राधे।